मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उमड़े, गुस्से से भरे हुए, हाथों में पोस्टर, नारों की गूंज और उनकी मांग बस एक ही थी, यह चीखें केवल नवी मुंबई की गलियों तक ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में गूंज रही थी। यह एक लड़की की जान लेने का मामला ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की लापरवाही का एक आईना भी था। 30 साल के अक्षता मात्रे के साथ जो भी कुछ हुआ उसने पूरे देश भर में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। यह मामला न केवल एक लड़की की हत्या बल्कि पारिवारिक अत्याचार, पुलिस की लापरवाही और समाज की असंवेदनशीलता का प्रतीक बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षता मात्रे मर्डर केस की, जिनके पीछे की सच्चाई जानकर हम सभी की आंखें शर्म से झुक गईं कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान भी अब हमारी बहन बेटियों, हमारी माओ के लिए सुरक्षित नहीं बचा है। अक्षता मात्रे के जीवन की संघर्ष की शुरुआत नवी मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में शुरू हुआ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखे जिसमें से एक अहम ये भी था कि एक खुशहाली परिवार यानी कि शादीशुदा जिंदगी। जुलाई 2018 में जब उसकी शादी कुणाल मात्रे से हुई तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा और उसके अब सपने भी वो पूरे हो जाएंगे। परंतु इस शादी के पहले दिन से ही उसके सपनों का संसार बिखरने लगा। ससुराल में उसे उसका स्थान, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिला और ये शुरुआत थी मानसिक और भावनात्मक शोषण की, जो कि आने वाले कई वर्षों तक उसके जीवन में घुटन का कारण बनता रहा। अक्षता का संघर्ष शादी के पहले दिन से ही शुरू हो चुका था। उसकी सास और ननद उसे ताने मारती, उसके रंग रूप को लेकर उसकी खिल्लियां उड़ाती। यह सब शुरुआती में तो एक घरेलू झगड़ा जैसा ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये मानसिक प्रताड़ना में तब्दील होता चला गया, मानो ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आई जब उसका पति कुणाल उसके ऊपर शक करने लगा। वो हमेशा से सोचता था कि अक्षता के किसी और के साथ संबंध है और उसने उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया। कुणाल एक बहुत ही ज्यादा शक्की व्यक्ति था और उसे यह भी पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी बाहर जाकर कहीं नौकरी करे। लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अक्षता मात्रे ने अपनी नौकरी को जारी रखा। वह एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी, लेकिन कुणाल का शक लगातार बढ़ता जा रहा था। शक अब इतना बढ़ चुका था कि एक दिन अक्षता को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी, जो कि ये खुद में बहुत बड़ा बलिदान था जो कि उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी घर के हालात नहीं सुधरे। अब वह पूरी तरह से अपने ससुराल वालों पर ही निर्भर हो चुकी थी और इसी निर्भरता से उसकी हालत और भी बद से बदतर हो गई। उसकी सास और ननद उसे अब एक नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगे थे। हर रोज ताने, गालियां और अपमान उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। कुणाल, जो खुद सट्टेबाजी और जुए की लत में डूब चुका था, घर में पैसों की किल्लत को लेकर अक्षता पर चिल्लाता। वह अपनी असफलताओं को लेकर अक्षता को ही दोषी ठहराता और हर रोज उसके चरित्र पर सवाल उठाता। उसकी शक की आदत अब इतनी बढ़ गई थी कि वह अक्षता के परिवार वालों को भी इस मामले में घसीट लेता था। अक्षता की मानसिक स्थिति इस तरह से लगातार बिगड़ती जा रही थी। शादी के ठीक 3 साल बाद अक्षता के जीवन में एक नया फिर से मोड़ आया जब उसके बेटे का जन्म हुआ। अक्षता को लगा कि शायद चीजें अब बदल जाएंगी, शायद घर में एक नए मेहमान के आ जाने की वजह से रिश्तों में थोड़ी बहुत मिठास भी आ जाएगी। लेकिन यह सब केवल एक भ्रम साबित हुआ। कुणाल की सट्टेबाजी की लत और भी बढ़ती चली गई और वो अपनी जिम्मेदारियों से और भी ज्यादा दूर भागता चला गया। अब उसकी नजरें अक्षता के पिता के पैसों पर थी। वे अब अक्षता के पिता से पैसों की मांग कर रहे थे। हर रोज उसे यह दबाव झेलना पड़ता था कि वह अपने पिता से पैसे मांगे। यह स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि घर में गाली गलौज और चीखना चिल्लाना एक सामान्य बात हो गई थी। अक्षता की माँ को भी बुरा भला कहा जाता, गाली गलौज करते और उसे मानसिक यातनाएं दी जाती। 2 साल तक ये प्रताड़ना चलती रही, लेकिन फिर एक दिन अक्षता ने फैसला किया कि वह अब और नहीं सह सकती। वह अपने 3 साल के बेटे को पीछे छोड़कर अपने माता पिता के घर वापिस चली आई।
यह उसका पहला कदम था अपने जीवन की फिर से सवारने की दिशा में। लेकिन किस्मत ने उसके साथ फिर से खेल खेलना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद कुणाल अक्षता के घर गया, उसने माफी मांगी, उसके परिवार वालों उसके माता पिता से माफी मांगी और एक नई शुरुआत करने की बात कही। उसने दावा किया कि अब वह सब कुछ ठीक कर देगा और अक्षता के साथ वह खुशहाली जीवन बिताएगा। अब अक्षता के माता पिता ने इस पर विचार किया और काफी सोच विचार करके अपनी बेटी अक्षता को कुणाल के साथ भेजने तक का फैसला कर लिया। 6 जुलाई की वह काली सुबह अक्षता के जीवन में फिर से एक दुखद मोड़ लेकर के आता है। 5 जुलाई की रात को घर में एक और झगड़ा हुआ। यह झगड़ा हमेशा की तरह काफी गंभीर था, लेकिन इस बार अक्षता के धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी थी। अगले दिन 6 जुलाई की सुबह उसने बिना किसी को कुछ भी बताए घर छोड़ दिया। उसने किसी को कोई खबर नहीं दी और चुपचाप घर से निकल गई। जब अक्षता दोपहर तक घर नहीं लौटी तो कुणाल ने उसके माता पिता को फोन किया। यह जानने पर कि वो वहां भी नहीं पहुंची है तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अक्षता के घर वालों ने नवी मुंबई के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट को ज्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं और ये पुलिस वालों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 9 जुलाई 2024 की दोपहर को पुलिस को कल्याण सिलपाटा के पास स्थित गणेश घोल मंदिर से एक खबर मिलती है। मंदिर की सीढ़ियों के पास खाई में एक महिला की लाश पड़ी थी। जब पुलिस वहां पहुंची और जांच की तो यह पता चला कि वो अक्षता मात्रे की लाश है। यह सुनते ही अक्षता मात्रे का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर उनके परिवार वालों के लिए किसी सदमे या फिर किसी बुरे सपने से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि अक्षता के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसके साथ बहुत ही क्रूरता की गई थी। उसकी गर्दन पर घुटन के निशान थे जो ये निशान बता रहे थे कि उसका गला घोटकर उसे मारा गया था। अक्षता की हत्या ने सभी को एक अजीब तरह की हैरानी में डाल दिया था और अब पुलिस वालों के पास इस मामले की गंभीरता से जांच करने के अलावा कोई और विकल्प था भी नहीं। उन्होंने अक्षता के मोबाइल फोन को ट्रेस करना शुरू कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि 6 जुलाई की सुबह अक्षता बेलापुर से निकली थी और कल्याण सिलपाटा स्थित गणेश घोल मंदिर गई थी। पुलिस को मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में से फुटेज कुछ ऐसा देखने को मिला जहां पर अक्षता मंदिर की ओर जाती हुई दिखाई तो पड़ रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यहां पर ये थी कि वो कभी बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं पड़ी। यह एक अपने आप में बड़ा सवाल था कि आखिरकार अक्षता मंदिर के अंदर गई तो बाहर क्यों नहीं आई। मंदिर के अंदर जब वहां मौजूद एक पुजारी और केयर टेकर से सख्ती से पूछताछ किया गया तब उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया। उन्होंने बताया कि अक्षता को नशीली दवा देकर पहले उसे बेहोश कर दिया गया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म उन तीनों ने मिलकर के किया था। पुजारी और केयरटेकर ने यह भी बताया कि अक्षता को देखकर उन्हें लगा था कि वो मानसिक रूप से काफी परेशान है और उन्होंने उसी मौके का फायदा उठाने की पूरी योजना बना ली। जब वह मंदिर में अकेली आई तो उन्होंने उसकी परेशानी को पहले समझा और उसके बाद सहानुभूति जताते हुए उसे फिर एक बर्तन में पेय पदार्थ में कुछ नशीली दवा मिला करके पिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में मंदिर के अंदर ले जा करके वहां पर रात में जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तीनों ने मिल करके उसके साथ दुष्कर्म किया और जब अक्षता को होश आया तब उसे अपने आप में काफी ज्यादा असहनीय दर्द महसूस हुआ और जब उस दर्द के मारे वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है तो उसकी चीखें सुन करके वो मंदिर का नया पुजारी और 2 केयरटेकर उसकी चीखें सुनकर सन्न रह गए और सोचने लगे कि अब हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। और फिर पकड़े जाने के डर से ही उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। उसका सिर दीवार में टकराया और उसे अधमरा कर दिया और फिर उसका गला घोट करके उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी, जिसके बाद लाश को छिपाने के लिए उन्होंने उस मंदिर के पीछे स्थित खाई में उसे फेंक दिया, ये सोचते हुए कि उसे अब कोई नहीं देख पाएगा और समय रहते कोई न कोई जंगली जानवर उसके शव को खा ही जाएगा। इस मामले में पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर सवाल उठाए जाने लगे थे। अगर पुलिस ने 6 जुलाई को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती
तो शायद अक्षता को बचाया जा सकता था। जब अक्षता के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से ज्यादा लिया ही नहीं। रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई और उस दौरान अपराधी खुलेआम घूमते रहे। अगर पुलिस ने अक्षता की मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को समय रहते खंगाल लिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। अक्षता के माता पिता और बहन कोमल ने इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने हमारी बार बार की गई रिक्वेस्ट को सुना होता तो आज हमारी बहन हमारे बीच होती। कोमल ने यह भी कहा कि अक्षता ने अपने एक दोस्त से बात की और उसे बताया था कि वह मानसिक रूप से बेहद ही परेशान है। उसने यह भी कहा था कि वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसके ससुराल वाले उसके पिता के पैसों पर नजर रखे हुए हैं। अक्षता का 3 साल का बेटा जो कि इस घटना से बिल्कुल अनजान था, अब वो अनाथ हो चुका है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। अक्षता का परिवार अब उसकी देखभाल कर रहा है, पर उस बच्चे ने जो भी कुछ खोया है शायद उसकी कमी कभी भी किसी भी तरीके से पूरी नहीं की जा सकती, भले ही उन दोषियों को फांसी की सजा क्यों ना दे दी जाए। बाकी अब जाते जाते कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस तरह की घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए और वे खुद को सचेत रख पाएं और खुद को सेफ रख पाएं। तो फिर मुलाकात होगी एक और नई ऐसी ही अगली वारदात के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।